एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पिछली वीडियोस में पढ़ाई गई एक कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं उस पिछली कॉन्सेप्ट का ही, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। शायद हो सकता है कि आपने पिछली वीडियो ना देखी हो, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये क्विक रिवीजन है ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जिस पर आज ये वीडियो हम बनाएंगे। जैसा कि आपको पेज पर ही दिखाई दे रहा है नोट्स के अंदर, लेट एफ क्यू की पावर एन डिनोट्स अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स, कि जो एफ क्यू की पावर एन है, एफ क्यू की पावर एन ये डिनोट करती है एक सेट को, ऐसे सेट को जिसमें ऑर्डर्ड होंगे, ठीक है, ऑर्डर होंगे और साथ में एन टपल्स होंगे, ऑर्डर्ड एन टपल्स। तो टपल्स हो सकता है आपके लिए एक नया शब्द हो और हो भी सकता है कि आपके लिए एक नया शब्द ना हो, क्योंकि हम इसे हम पिछले सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर सेमिस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा था वेक्टर स्पेस लीनियर एलजेब्रा, वहां पर टपल्स का नाम सुन चुके हैं और टपल्स का मतलब भी जानते हैं। तो एफ क्यू की पावर एन कुछ भी नहीं है, ऑर्डर्ड एन टपल्स का सेट है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स इज कॉल्ड एफ क्यू की पावर एन। और एन यहां पर जो एन आपको ये दिखाई दे रहा है, एफ क्यू की पावर में एन जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है एन टपल्स। एंड क्यू जो दिखाई दे रहा है, क्यू दिखाई दे रहा है आपको इसलिए क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कोडवर्ड्स यूज होने वाले हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ कोडवर्ड्स यूज इन ए सेट। तो एफ क्यू की पावर एन इज नथिंग, इट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स। एन टपल्स का सभी ऑर्डर एन टपल्स का सेट जो होगा वो एफ क्यू की पावर एन कह सकते हैं, जहां पर ए जो है वो डिनोट करता है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, ऐसे करते करते ए एन तक सारे के सारे नंबर्स यहां पर आ जाते हैं ए के अंदर। इसी तरीके से मैं अगर B लूँ तो B के अंदर भी B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 डैश डैश करते करते BN तक जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे आ जाएंगे सिर्फ एक B के अंदर। तो अगर मैं A कोमा B लिखूँ, तो अगर मैं किसी एक सेट के अंदर A कोमा B ऑर्डर लूँ, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यहाँ पर A कोमा B कह दिया, इसका मतलब ये हो गया कि A1 कोमा B1 कोमा A2 कोमा B2 ए थ्री कोमा बी थ्री ए फोर कोमा बी फोर ए फाइव कोमा बी फाइव, ऐसे करते करते जितने भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उन सभी के ऑर्डर्ड बनते चले जाएंगे। और कितने ऑर्डर बनेंगे, एन टपल्स तक ऑर्डर बनेंगे, एन टपल्स होंगे उसके अंदर ए एन कोमा बी एन तक। तो ये होता है ए कोमा बी का मतलब। और इसी सेट को जब हम ए वन कोमा बी वन ए टू कोमा बी टू ए एन कोमा बी एन तक इस सेट को हम इस सेट को बना देंगे और सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो उस सेट को हम लिख सकते हैं एफ क्यू की पावर एन, विच इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स। अब एफ क्यू की पावर एन की एक और खास बात हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, वो क्या थी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एफ क्यू की पावर एन की एक सेट है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन टपल्स, तो जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स वेक्टर्स होंगे, या हम कहेंगे वर्ड्स। उनको एक नया शब्द दिया है कि वेक्टर्स या वर्ड्स। देन एलिमेंट्स ऑफ एफ क्यू की पावर एन आर कॉल्ड वेक्टर्स या वर्ड्स। अब जो द ऑर्डर ऑफ द सेट, ये जो सेट ही तो है एफ क्यू की पावर एन, अब उसके ऑर्डर को हम निकालें तो कि कितना ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ द सेट एफ क्यू की पावर एन इज नथिंग, इट इज क्यू की पावर एन। द ऑर्डर ऑफ द सेट एफ क्यू की पावर एन इज इक्वल टू क्यू की पावर एन। तो मैं कोई क्यू एरे कोड लेता हूँ, क्यू एरे कोड अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था क्यू एरे कोड के बारे में, वहाँ पर हमने n टाइम्स जीरो n टाइम्स वन n टाइम्स टू और n टाइम्स q माइनस वन एलिमेंट्स रिपीटेड एलिमेंट्स लिए थे। उसके बाद उसका हमने एन एम डी कोड बनाया था जो एन क्यू एन कोड बनकर आया था। तो ये पिछली वीडियो में अभी अभी किया है, जाओ जाके देख लो वाक्य, और अगर आपने देख लिए तो ये आगे समझते हैं। ए क्यू एरे कोड ऑफ लेंथ n, तो एक क्यू एरे कोड है जिसकी लेंथ n है, तो वो सबसेट होगा एफ क्यू की पावर n का। तो एक ऐसा कोड जिसमें क्यू एरे एलिमेंट्स हैं, क्यू एलिमेंट्स क्यू माइनस क्यू एलिमेंट्स हैं क्यू एरे कोड का, तो जिसकी लेंथ n हो, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा एफ क्यू की पावर n, क्योंकि एफ क्यू की पावर n जो है वो तो इन सभी का सभी का सेट है, ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स का सेट है वो, इसलिए क्यू एरे कोड भी उसके सामने बच्चा होगा। क्यू एरे कोड भी क्या होगा, सबसेट होगा एफ क्यू की पावर एन का,
क्योंकि क्यू एरे कोड क्या है, 00111222 ऐसे करके, तो ये क्यू एरे कोड हो गया। अब एफ क्यू की पावर एन का कोड निकाला जाए तो मतलब क्या होता है कि 0000 जो है ना उसका मैं एक टपल बना लूंगा, इसको तो मैं एक टपल में यूज़ कर लूंगा, फिर उसके बाद उसका भी A11 A22 ऐसे करके यूज़ करूंगा मैं। तो आप समझ रहे हो इस चीज़ को या नहीं समझ रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए कि एफ क्यू की पावर एन इज़ ए सुपर सेट ऑफ द क्यू एरे कोड एंड वी कैन से क्यू एरे कोड ऑफ लेंथ एन इज ए सबसेट ऑफ एफ क्यू की पावर एन। तो एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि एफ टू बराबर 01 दे रखा है, 01 ठीक है, एफ टू है ठीक। तो अब एफ टू की पावर 3 निकालें तो मतलब क्या होता है, एफ टू की पावर 3 निकालें तो 0, एफ टू का मतलब क्या है, वहाँ पर नंबर ऑफ सिम्बल्स जो यूज होने वाले हैं वो सिर्फ 2 ही होंगे। एफ क्यू की पावर एन का मतलब क्या है, एफ क्यू का मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्यू नंबर ऑफ सिंबल्स यूज होंगे उसके अंदर। इस तरीके से एफ टू है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर 0 और 1 या 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही वहां पर यूज होंगे, कुछ भी हो सकते हैं वो। अगर क्यू एरे कोड है तो 1 2 भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर बाइनरी कोड है तो 0 और 1 यही लिए जाएंगे, फिक्स्ड होंगे। क्यू एरे कोड के अंदर कोई भी 2 नंबर लिए जा सकते हैं, ए बी कोई भी 2 नंबर, 10 11 ऐसे करके हम ले सकते हैं। अगर हम उसे एफ टू की पावर 3 की फॉर्म में लिखें तो यानी कि हर एक जो कोड होगा वो कोड वर्ड 3 लेंथ का होगा, उसकी लेंथ जो होगी वो 3 होगी ठीक है। एफ क्यू की पावर एन की फॉर्म में लिख रहे हैं एफ टू की पावर 3, तो एन की जगह पे 3 आएंगे, लेंथ ऑफ द कोड वर्ड इज 3 एंड एफ टू इज ए नंबर ऑफ सिंबल्स यूज इन द कोड वर्ड। तो ऐसे लिखें 000 ऐसे लिख सकते हैं इसे, 001 010 ये प्रोबेबिलिटी के तौर पे जितने भी परम्यूटेशन बनते थे वो सारे यूज़ करके लिख दिए जो एफ टू की पावर 3 के अंदर ही आ रहे होंगे। और ये जो क्यू एरे कोड है 01 ये क्या होगा, ये इसी का ही सबसेट होगा। तो अब उसी एग्जाम्पल को एफ टू इज इक्वल टू 01 इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वही एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर कि एफ टू इज इक्वल टू 0.1 है। वी डिफाइन 2 ऑपरेशंस ऑन एफ टू की पावर एन, वहाँ पर हमने एफ टू की पावर 3 करके हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया था और उसके अंदर देखा था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, कितने नंबर ऑफ सिंबल्स कोड वर्ड्स बन गए। तो जैसा कि एफ टू इज इक्वल टू 0.1 है, वी डिफाइन 2 ऑपरेशंस ऑन एफ टू की पावर एन, हम यहाँ पर 2 ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं एफ टू की पावर एन पर, जहाँ पर एक्स का मतलब होता है x1 x2 x3 x4 xn, ये हो गया एक, और वाई का मतलब होता है y1 y2 y3 y4 y5 y6 ऐसे डैश डैश करते हुए yn तक जाएंगे हम। और ये भी हम जानते थे कि भाई एफ क्यू की पावर अगर n है, एफ क्यू की पावर n का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर n टपल्स। तो ये जो और एफ क्यू की पावर n जो होता है उनके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स भी कहते हैं या वर्ड कह सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर x और y जो हैं वो 2 एलिमेंट्स हैं एफ टू की पावर n के, तो ये x और y क्या कहलाएंगे, 2 वेक्टर्स कहलाएंगे इन एफ टू की पावर n में। ये जो वेक्टर्स हैं x एंड y इज अ वेक्टर इन एफ टू की पावर n। अब आगे ऑपरेशन देखते हैं, देन द सम क्या होगा, सम अगर हम निकालें x प्लस y कर दें तो x प्लस y कर दें इज द वेक्टर। तो जैसा कि x जो है ये भी एक वेक्टर है, y भी एक वेक्टर है, दोनों का सम यानी कि वेक्टर, 2 वेक्टर हैं उनका सम भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा ठीक है। तो x इज ए वेक्टर, y इज ए वेक्टर, देन x प्लस y इज ऑल्सो ए वेक्टर इन f2 की पावर n। एंड वी डिफाइंड बाय, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, कि अगर सिर्फ x और y को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि x और y को ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि x को हम x1, x2, x3, xn तक लिख सकते हैं, y को y1, y2, y3, y4, yn तक लिख सकते हैं। तो x y को ऐड करने का मतलब होता है कि x1, x2, x3, xn और y1, y2, y3, yn इन सब को भी ऐड करना पड़ेगा टर्म बाय टर्म ठीक है। यानी x1 को y1 से ऐड करना पड़ेगा, कॉमा x2 को y2 से ऐड करना पड़ेगा, x3 को y3 से ऐड करना पड़ेगा, x4 को y4 से ऐड करना पड़ेगा, ऐसे करते करते xn को yn से भी ऐड करना पड़ेगा अगर हम x और y सिंपल x एंड y को ऐड करना चाहते हैं। तो वही चीज हमने लिख दी, x प्लस y मींस
एक्स प्लस एक्स वन प्लस वाई वन कोमा एक्स टू प्लस वाई टू कोमा डैश 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 एक्स एन कोमा वाई एन। तो ये तो बात हो गई सम की, कि x का मतलब x1, x2, x3, xn था, y का मतलब y1, y2, y3, yn था। हमने बात करी सम की, x प्लस वाई मतलब इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सम होते चले जाएंगे। अब अगली बात कर रहे हैं हम इंटरसेक्शन की। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे x और y के बीच में, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी वेक्टर होगा f2 की पावर n का। पूरी कहानी गाथा का मतलब यही है कि अगर x वेक्टर है, y वेक्टर है, तो दोनों को वेक्टर का सम जो होगा, अगर x f2 की पावर n से बिलोंग करता है, y x2 की पावर n से बिलोंग करता है, तो दोनों का सम भी f2 की पावर n से बिलोंग करेगा। अगर x f2 की पावर n से बिलोंग करता है, y f2 की पावर n से बिलोंग करता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी f2 की पावर n से बिलोंग करेगा। इन सारी बातों का मतलब ये जाता है, और उसको हम इंटरसेक्शन भी कहेंगे। व्हाइल द इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y इज द वेक्टर f2 की पावर n, वेयर x इज अ वेक्टर, y इज अ वेक्टर, देन x इंटरसेक्शन y इज आल्सो अ वेक्टर इन f2 की पावर n। तो x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या होता है कि उसके जो x1 y1 xn तक हैं और y1 y2 y3 yn तक हैं, उनका भी इंटरसेक्शन ले लो। तो ये मान लो x y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3, xn yn। तो ये मान लिया कि x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, xn yn मिलेगा। तो जैसा कि हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, क्या एडिशन मोड लो, मल्टीप्लिकेशन मोड लो। तो एडिशन मोड लो और मल्टीप्लिकेशन मोड लो यहाँ पर भी यूज होने वाला है, कि द टर्म्स एक्स आई एंड वाई आई जब ऐड हो रहे होंगे तो वहाँ पर भी मोड लो टू यूज होगा। कैलकुलेट करते वक्त वहाँ पर ही मोड लो टू यूज होगा फॉर एक्स आई प्लस वाई आई। इस तरीके से एक्स आई वाई आई जब इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे होंगे तो वहाँ पर भी मोडलो टू यूज करेंगे, और मोडलो का मतलब कि ये भी ग्रुप है। देन वी कैन से द टर्म्स एक्स आई प्लस वाई आई एंड एक्स आई वाई आई आर कैलकुलेटेड मोडलो टू। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन सा स्वीटेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर x बराबर हमें दे रखा है 10011, y बराबर दे रखा है 01101, ठीक है, y बराबर भी दे रखा है, x बराबर भी दे रखा है, f2 की पावर 5 है। f2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5 का मतलब है लेंथ ऑफ द कोड वर्ड इज 5। तो क्या लेंथ ऑफ द कोड वर्ड इज 5 है? जी हाँ, लेंथ ऑफ द कोड वर्ड 5 है, 10010011। तो 1 2 3 4 5 लेंथ ऑफ द कोड वर्ड इज 5, इट मीन्स n इज इक्वल टू 5। एंड F2 इट मीन्स Q, और Q क्या है भैया बताओ, यहाँ पर 0 और 1, इसके अलावा 0 1 के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट, कोई तीसरा सिंबल नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पे लिखा है F2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे F2 की पावर 5। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई करें तो मतलब क्या होता है, x प्लस वाई सम भी करेंगे तो मोडुलो 2 में करेंगे, और इंटरसेक्शन लेंगे तब भी मोडुलो 2 में लेंगे। तो ये होता है कि जब हम x को y से जब ऐड करेंगे, तो ये जो 1 है पहले वाला टर्म और ये दूसरा वाला टर्म, 1 प्लस 0 मोडुलो 2, तो ये क्या आएगा 1। इस तरीके से दूसरी वाली टर्म 0 प्लस 1 मोडुलो 2, तो ये क्या आएगा 1। इसी तरीके से तीसरी टर्म जो है, और ये तीसरी टर्म 0 है और y के अंदर तीसरी टर्म है 1, तो 0 प्लस 1 मोडुलो 2 इज 1। फिर इसी तरीके से चौथी टर्म 1 और यहाँ पर चौथी टर्म है 0, तो 1 प्लस 0 मोडुलो 2 इज 1। अब लास्ट वाली टर्म इज ए लास्ट टर्म इज 1 एंड यहाँ पर भी 1, तो 1 प्लस 1 मोडुलो 2 इज मोडुलो 2। जब 1 प्लस 1 मोडुलो 2 निकालेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि यहाँ पे लिख देंगे 0। यही तो होता है मोडुलो का मतलब, मोडुलो 2 का मतलब, इट मीन्स समीशन 1 प्लस 1 मोडुलो 2 इज। इस तरीके से हमें x प्लस y मिल जाएगा, इसी तरीके से x इंटरसेक्शन y निकालेंगे। अब यहाँ पर टर्म बाय टर्म चलेंगे, कि x का पहली टर्म जो है 1, इसकी जो है 0, दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं, 0 और 1, इसी तरीके से दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं, लास्ट वाले में ऐसे ही चलने लगेगा, लास्ट वाले में 1 और 1 इंटरसेक्शन 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे तो x इंटरसेक्शन y मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये एग्जांपल हो गया प्रीवियस कॉन्सेप्ट, f q की पावर n विच इज़ अ ऑर्डर्ड
n tuples, set of all ordered n tuples, where we can conclude that x is a vector and the element of f2 ki power n, and y is also a vector and the element of f2 ki power n, then we can say the sum of x plus y is also a vector and the element of f2 ki power n, and the intersection of x and y is also a vector quantity, sorry, vector, and is an element of f2 ki power n. And now next we take an example f2 ki power 5 and add karke dikhaya humne, fir subtract karke add karke dikhaya, fir humne intersection leke dikhaya, to yahan par mila ki ye bhi ek vector hoga aur modulo 2 ki form mein hum ise add aur intersection lenge. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.